आखिरकार फिर से लिख के आपके लिए करूँगा। अगर हम टेक न्यूज़ तो टेक न्यूज़ स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूँ तो आखिरकार आज एक तारीख हो चुकी है, 2020 लग चुका है और आपको पता ही होगा कल 21 तारीख थी, तो आपकी कैसी गई 31st ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। तो चलो फिर टेक न्यूज़ की तरफ चले, तो उससे पहले आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पसंद है वीडियो को एक लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जिससे हमारी डेली टेक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। और कल की टेक न्यूज़ नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लेना, बहुत गर्मा गर्म न्यूज़ थी कल की। तो चलो फिर पहली टेक न्यूज़ की मैं बात करूँ तो जियो की तरफ से निकल के आ रही है, रिलायंस जियो की तरफ। तो अभी रिलायंस जियो ने अपना जियो मार्ट अनाउंस कर दिया गया है। तो ये जो अनाउंस कर दिया गया है ये फ्लिपकार्ट अमेजोन एंड स्नैपडील्स इन जो कंपनियां उनको टक्कर देने के लिए आपको देखने को मिलेगा। ये अभी तो शायद आपको नेवी मुंबई कल्याण एंड थाना में देखने को मिलेगा, हम हाल तक मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको फास्ट डिलीवरी देखने को मिलेगी एंड रिटर्न पॉलिसी आपसे देखने को मिलेगी जो ऑर्डर करोगे। तो अभी देखते हैं, और बहुत जगह पर वो लोग लॉन्च करने वाले और 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट उन्हें रखे हैं, तो देखते हैं अभी कंपनी कहाँ तक जाती है। टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम की तरफ से निकल के आ रही है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फेक न्यूज़ डालते हो तो आपके लिए बहुत बुरी खबर निकल के सामने आई है। जो भी आप इंस्टाग्राम पे फेक न्यूज़ डालोगे तो उन्हें इंस्टाग्राम ने पार्टनरशिप की है फैक्ट स्टोरी के साथ, फैक्ट चेक स्टोरी के साथ। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फेक न्यूज़ डालोगे स्टोरी में तो आपको दिखाई देगा फॉल्स, कुछ भी बताई देगा, लेकिन आप फेक न्यूज़ अब नहीं डाल पाओगे क्योंकि पहले वहाँ पे चेक होगी, उसके बाद ही वो स्टोरी आपकी जाएगी। और कहीं पे भी आप फेक न्यूज़ डालोगे तो आप इंस्टाग्राम पे आप नहीं डाल सकते। तो इंस्टाग्राम से ये आप बोल सकते हो बहुत अच्छा कदम है इंस्टाग्राम का। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो वीवो की तरफ से आ रही। तो मैंने पिछली टेक्निक्स में भी आपको बताया था कि वीवो ऐसे फ़ोन के ऊपर काम कर रहा है जिसमें आपको दो कैमरे देखने को मिलेंगे, मतलब चार कैमरे, क्वाड सेल्फी कैमरेज आपको देखने को मिलेंगे फ्रंट में। तो अभी ये न्यूज़ कन्फर्म हो चुकी है, चाइना के एक साइड पर लिस्ट होकर सामने आया। तो मैं बता दूँ चार कैमरे वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, सेल्फी कैमरेज। तो जो आगे का फ़ोन रहेगा आपको ऐसे टेस्ट कर रहा है, पहला फ़ोन मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले पे वो टेस्ट कर रहा है। और जो दो कैमरे आपको रेडमी के 13 में देखने को मिलते हैं साइड में, तो यहाँ पर और यहाँ पे दो कैमरे ऐसे आपको देखने मिलेंगे, एक कोल में दिखाई दे रहा है छोटे में और जैसे रेडमी के 13 में ऐसे कैमरे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी वीवो इस पर काम कर रहा है, आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं सेल्फी, क्वाड सेल्फी कैमरेज। ये मैंने पिछली टेक्निक्स में भी बताया था, तो आप देखते हो तो आपको पता ही होगा। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो शाइमी की तरफ से निकल के आ रही। तो आपको पता होगा जो शाइमी का रेडमी नोट 8 है ये आपको 4GB रैम एंड 6GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। और ये एक बजट स्मार्टफोन आप बोल सकते हो, 10,000 के अंदर में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो एक और 10 पे लिस्ट होकर इसकी वारंटी सामने आई है। जो आपको रेडमी नोट 8 है इसमें आपको एक और वारंटी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और ये मैं बता दूँ पहले चाइना में लॉन्च होगी, फिर आपको इंडिया में देखने को मिलेगी थोड़ा लेट। तो ऐसी न्यूज़ सामने है। और जो इसकी प्राइस होने वाली है वो 15,000 या 16,000 के अंदर ही आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। तो क्या आप एक्साइटेड हो एक और नए स्मार्टफोन के बारे में, रेडमी नोट 8 तो वारंटी आने वाली है 8GB एंड 256GB। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो सैमसंग की तरफ से निकल के आ रही है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट स्मार्टफोन है तो आखिरकार इसकी लाइव इमेजेस सामने आ चुकी है। तो मैं आपको फोटो तो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट की वजह से, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें आपको ट्रिपल रील्स कैमरे देखने को मिलेंगे और इसमें जो ऐसे के साइड ऐसे कैमरे आपको साइड में दिखाई देंगे, तीन कैमरे आपको दिखाई देंगे, एक फ्लैश लाइट दिखाई दे रही है। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा। और ऐसे भी न्यूज़ सामने आई है, इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट है इन डिस्प्ले में ही आपको देखने को मिलेगा, पीछे की साइड कोई भी फिंगरप्रिंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ तो इसकी जो कैमरा है वो बीच में आपको बीच में दिखाई देगा फ़ोन के, तो ऐसे सामने आ रही। और ये सब जो अभी लाइव इमेजेस सामने आई जिसके आधार पर मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको बता दूँ इसके साथ आपको एस फैन भी देखने को मिलेगा। तो अगली टेक्निक्स की मैं बात कर लूँ तो वो सामने आ रही, तो मैं आपको बता दूँ सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग के एम सीरीज़ के स्मार्टफोन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो तीन स्मार्टफोन सामने आए, तो M11, M21 एंड एक और है M31। ये तीन स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। जो M11 में इसमें आपको कुछ कलर सामने आए, तो मैं बता दूँ ब्लैक, ब्लू एंड वॉयलेंट कलर में आपको देखने को मिलेगा। और M21 की मैं प्रोसेसर का कुछ सामना है, तो इसमें आपको एक सोन का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो M31 में आपको तीन कलर सामने है, तो मैं बता देता हूँ ब्लैक, ब्लू एंड रेड कलर अब में आपको ये स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकते हैं। क्या एक्साइटेड हो एम सीरीज़ के लिए। इसकी मैं बात करूँ तो रेड मैजिक, आपको पता होगा ये रेड मैजिक स्मार्टफोन है, ये आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलता है। लेकिन अभी 2020 में भी कंपनी एक और नया फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है, रेडमी मैजिक। तो कोई सा भी स्मार्टफोन हो सकता है 4 या 5, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने कुछ स्पेक भी इसके कन्फर्म कर दिए, ये आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड दोनों देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेसर की, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 वाला लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 865 वाला। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो
एक्स 55 5G वाला वो इस्तेमाल होगा, जो इस डेगर में लगता है आपको पता ही होगा। और कंपनी ने कुछ और बताया नहीं, ये आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, आउट ऑफ बॉक्स ये सब तो आपको देखने को ही मिलेगा। तो ये सब कंपनी ने कंफर्म किया है, तो तभी देखते हैं रेड मैजिक 4 या रेड मैजिक 5 की तरफ से कौन सा आपको देखने को मिलता है नया स्मार्टफोन। तो और ये मैं बता दूँ, पहले चाइना में जाने वाला है, उसके बाद ही आपको देखने मिला, जहाँ पे 4G वहाँ पे 4G देखने को मिलेगा, जहाँ पे 5G वहाँ पे 5G देखने को मिलेगा। नॉर्मल सी बात है। इसकी मैं बात करूँ तो एप्पल की तरफ से निकल के आ रही है, तो आपको पता होगा एप्पल बहुत जल्दी अपने 2020 में एक और नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले, आईफोन 12 सीरीज़ आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो अभी ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है, इसमें कुछ पैटर्न हो के फाइल आया था, उसके अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो भी आईफोन 12 आ रहा है, जो आप सेल्फी लोगे वैसे बाहर खड़ा रहेगा, और जैसे आप सेल्फी नहीं लोगे वैसे अंदर रहेगा, मतलब टॉप बेजलेस स्मार्टफोन आपको ये देखने को मिलेगा। और इसमें फेस आईडीज भी आपको शायद देखने को मिलेगी, और वही बात को दो इन डिस्प्ले प्रिंट आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, अगर अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा आता है तो आपको पता ही है फिर स्मार्टफोनों का और तरक्की में ही पहुँच जाओगे। टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो रियलमी की तरफ से निकल के आ रही है, आपको पता होगा जो रियलमी एक्स 50 स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होने वाला है 7 जनवरी को। तो अभी इसके कुछ रूमर्स सामने आए, तो मैं आपको दे देता हूँ। जो इसमें आपको राइट साइड में वॉल्यूम और अप डाउन बटन देखने को मिलेंगे, और वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 4500 की mAh की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है। और कैमरे की मैं बात करूँ तो ऐसे 12 कैमरेज आपको देखने को मिलेंगे फ्रंट में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो इसके कैमरे होने वाले, उसमें आपको शायद 32 मेगापिक्सल सेल्फी और 8 का आपको दूसरा कैमरा देखने को मिल सकता है। और जो इसकी न्यूज़ प्राइस सामने है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेप्ट कर सकते हो आप प्राइस, सीरीज भी मत लेना। जो इसकी 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज की, इसकी प्राइस आपको कम से कम 18,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। मैं बात करूँ तो आपको पता ही होगा जो चंद्रयान 2 हुआ था, जो हार्ट लैंडिंग है जिससे विक्रम लैंडर को क्रैश हो गया था, आपको पता ही होगा 500 किलोमीटर कुछ ऐसा था, मैंने टेक्निक्स में भी आपको बताता रहता हूँ अगर आप देखते हो। तो अभी जो चंद्रयान 3 है, जो जितेंद्र सिंह है उनने कहा कि जो चंद्रयान 2 हुआ था उससे भी, मतलब चंद्रयान 3 है जो कम कॉस्ट में वो लोग करेंगे, तो आप अंदर से उससे भी कम पैसे लगने वाले। और वहीं मैं बात करता हूँ चंद्रयान जो 3 है 2020 में वो हैप्पीली सक्सेस हो जाएगा, उनने कहा है। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हो जो चंद्रयान 2 है उसे आप फेल भी नहीं मान सकते हो। मैं बात करूँ तो सैमसंग की तरफ से निकल के सामने आ रही, तो सैमसंग है वो अभी एक्सपांड, मतलब आप डिस्प्ले एक्सपांड कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो और छोटी कर सकते हो, ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। और वही मैं बात करूँ तो ये आपको पीछे की साइड देखने को मिलेगा, कुछ क्लिप देखने को मिलेगी जिससे आप एक्सपांड भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। तो देख सकते हो आप सैमसंग अभी ये पैटर्न फाइल कर रहा है। टेक ऑफर की बात कर ले तो मैं फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, तो फ्लिपकार्ट पे आज बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, तो हैप्पी 2020 के नाम से ये ऑफर चल रहा है, आपको विश कर रहा है फ्लिपकार्ट। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये 1 से 3 तक ये ऑफर चलने वाला है, तो इसमें आपको स्मार्टफोन्स एंड गैजेट बहुत सारे ऑफर्स एंड डील्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हो कोई भी अच्छा स्मार्टफोन्स एंड डील्स, तो आप देखिए चेक कर लीजिए, कोई अच्छा ऑफर लगे तो खरीद लीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। उम्मीद करते हैं आज के टेक्निक्स आपको पसंद आई, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं डिसलाइक भी कर दो, और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ले लीजिए, जिससे हमारी डेली टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगी। और जाइए मैं टिकटॉक पर फॉलो कर लीजिए, तो मोबाइल पर वहाँ पर भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफर्स बहुत कुछ आपको बताते रहते हैं। तो और वीडियो कल की नहीं देखी तो बहुत गर्मागरम टेक्निक्स थी, रियलमी 5 हम कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले, तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, तो बहुत गर्मा न्यूज़ थी वो, तो मैं आपको बोल सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो से, कीप स्माइल एंड कीप सपोर्ट।